May I request ACP sir to please say a few words with us? आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित स्कूल के सभी शिक्षकगण तथा पेरेंट्स और बड़े होनहार विद्यार्थी, अभी एमएलए साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की। सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि एज अ पेरेंट, एक पेरेंट के तौर पे, बच्चों के माँ बाप के तौर पे हम बच्चों में क्या फीड कर रहे हैं, उनमें क्या दे रहे हैं, कौन सी तालीम दे रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली बच्चे स्कूल में 6-7 घंटे रहते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ बचपन से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त उनका माँ बाप के साथ रहता है, स्पेशली माँ के साथ। साइंस बोलता है लगभग 8 साल की उम्र तक आदमी की लगभग जो उसकी ब्रेन है, उसका सबकॉन्शियस माइंड लगभग 80% बन जाता है। जो भी संस्कार उसे लेने हैं वो 8-9 साल तक उसके ब्रेन में या सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। तो माँ का सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि उसकी तरफ ध्यान दे। अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल के बारे में ये स्टेज पे बता रहे थे बच्चे, आज सब कुछ हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दुर्लक्ष भी उसकी तरफ हो रहा है। स्कूल का भी बड़ा योगदान इन सभी चीजों में होता है। अगर स्कूल के टीचर ने अगर ऐसा समझा कि ये बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अगर बर्ताव रखा तो निश्चित रूप से बोल सकता हूँ खुदा उनके घर के जो बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि एज यू सो सोशल यू रीप, ऐसा बोला जाता है, हम जो बोते हैं वही निकलता है। इतने पवित्र कुरान की शुरुआत जब होती है वहां पे बोला गया है इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड हु इज मोस्ट मर्सीफुल, सबसे रहम करने वाला, सबके ऊपर प्यार बरसाने वाला, इतना बड़ा खुदा, वो अगर इतना रहमत करता है, सब कुछ करता है हमारे लिए, तो क्या हम उसने बनाई हुई चीजों से प्यार भी नहीं कर सकते? मुझे लगता है ये प्यार बांटना, एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करना, ये तो जो भी अच्छा इंसान है उसका प्रथम कर्तव्य ही हो जाता है। हमारे बच्चों को हम अच्छा बनाएंगे। नॉलेज इज पावर बोला जाता है, जो आपके पास ज्ञान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। नॉलेज इज पावर, वो ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने एडिसन का प्रयोग आपको दिखाया था। एडिसन की माँ अगर उसके मन में ये फीड करती थी और बोलती थी कि नहीं, टीचर ने ऐसा सा बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो शायद ऐसा भी हो सकता था एडिसन वही के वही खत्म हो जाता था, वो कहीं ना कहीं खादा मजूर या कोई ना कोई बनता था। लेकिन उस थॉमस अल्वा एडिसन ने 9999 प्रयोग के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया। बच्चे ने बड़ी अच्छी तरह से यहां पे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माँ थी जिस माँ ने ये सब कुछ किया, क्योंकि उस माँ ने वो जो लेटर था जिस को उसके टीचर ने दिया था कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस माँ ने बोला था, लेकिन उस माँ ने वो जो पर्ची थी या लेटर था एडिसन ने जो उसके पास दिया था उसको छिपा के रखा और एडिसन को बोला उस स्कूल में उतनी ताकत नहीं है सिखाने की, तू बड़ा होनहार है, तुझमें बड़ी ताकत है, ऐसा स्कूल का बोलना है। इसलिए वो बोलती है कि इस बच्चे को घर में सिखाना चाहिए। थोड़ा सा सिर्फ वाक्यों का परिवर्तन था। हमेशा बोला जाता है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप आपका भाग्य बनाने वाले हो, नो बडी अदर देन यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी, आपका भाग्य दूसरा कोई नहीं बनाएगा। और आपका भाग्य कौन बनाता है मालूम है? सिर्फ आपके विचार, किस ढंग से आप सोचते हो, किस ढंग से आप विचार करते हो, इसके ऊपर आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य निर्भर करता है। आपका अगर बच्चा, आप चाहते हो, हर पेरेंट को लगता है, हर माँ को लगता है मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए, हर बाप को लगता है मैं इतना कष्ट करता हूं, इतनी मेहनत लेता हूं, मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। तो ध्यान में रखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसकी सोच कौन सी डायरेक्शन से जा रही है, वो कौन सी किताबें पढ़ता है, कौन से दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती है। थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें भी देना चाहिए, अगर देंगे तो हम अच्छे पेरेंट होंगे और अच्छे पेरेंट अच्छा बच्चा बनाएंगे। हम जब बचपन में देखते थे हमारे हर किताब के सामने लिखा था इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री,
भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई और बहन है, मैं मेरे देश से प्यार करता हूं, इस भूमि से प्यार करता हूं। इस देश में जो हवा चलती है या ये सूरज भी उगता है तो उस सूरज को मालूम नहीं है कि मैं किसके ऊपर किरणें बरसा रहा हूं, उस हवा को मालूम नहीं है कि मैं किसके हृदय में जा रही हूं और किस शरीर को पोषित कर रही हूं। ये हवा, सूरज, जितने भी नेचुरल चीजें वो सब के लिए बनी है, उस सूरज को मालूम नहीं था, उस चांद को मालूम नहीं है और किसी को मालूम नहीं हम कैसे हैं और हम कौन से पंथ से बिलोंग करते हैं या हम कौन से धर्म से हैं। पहले अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छा धार्मिक बन सकते हैं, इसीलिए हमें तालीम भी अच्छे इंसान बनने की देना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। हमारा बच्चा अच्छा होगा, हमारा बच्चा पावरफुल होगा, हमारा बच्चा कहीं ना कहीं इस दुनिया को कुछ देने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो हम अच्छे पेरेंट कहलाएंगे। और गुरु की बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं, जो टीचर है वो टीचर तो राह दिखाने के लिए है। कयामत के दिन सब हिसाब होता है बोला जाता है, कयामत के दिन सब हिसाब जब होगा उस दिन जो टीचर ने अच्छा काम किया उसके लिए खुदा ये बोलेगा नहीं मैंने जो बनाई हुई चीज थी वो चीज बड़ी बड़ी ही अलग थी, उसने सब कुछ किया जो मैंने बोला था। जय हिंद, जय भारत। Jazakallah sir for your illuminating thoughts and the guidelines on parenting. Surely we all are going to follow that.